यार जल्दी कॉल मिलाना नूर को, मेरा तो फोन ही नहीं उठा रही वो। पता नहीं वहां क्या चल रहा होगा। लगता है मानूर का सारा नेटवर्क उड़ा दिया तेरी ना होने वाली सास ने। फोन बंद आ रहा है। सास को छोड़, मेरे तो अपने घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। तुझे पता है खुद को बहुत ही अकेला महसूस कर रहा हूं मैं आज। बेटा तैयार हो जा, असल बैंड ना तेरा निदा भाभी बजाएंगी। बड़े दावे करता था ना अंडरस्टैंडिंग के उनके साथ। यार पहले आग कम लगी हुई है जो तू भी तीलियां लगा रहा है। अच्छा चल छोड़, ये बता मसला क्या निदा भाभी को इस रिश्ते से? चेड़े उन्हें अपनी सगी बहन से। उन्हें लगता है नूर ने अपने माँ बाप का दिल नहीं साफ किया उनकी तरफ से। खैर ये सफाई तो कोई भी नहीं कर सकता। चल उठ निकलते हैं, लेट हो गए यार काफी। चल तू जा, मैंने नहीं जाना घर। यार खुदा ना खास्ता अगर तेरा खुदकुशी का कोई प्लान है ना तो मुझे पहले ही बता दे, या कम से कम उसको एक हफ्ता डिले कर दे। एंगेजमेंट है मेरी और बबली की यार। बहुत ही कोई अव्वल दर्जे का बेगैरत और बेशर्म इंसान है तू। अभी मेरे दिल पे क्या गुजर रही है और तुझे अपनी एंगेजमेंट की पड़ी हुई है? इसे क्या बम्बास्टिक स्टोरी है तुम दोनों की ये। इस स्टोरी में तो कोई ट्विस्ट ही नहीं आया यार। अम्मी से बात की और वो फौरन मान गई। पता नहीं कहाँ होते हैं ऐसे पेरेंट्स। चल दिल छोटा मत कर, मुझे मैं ना कुछ खिलाता हूँ, तेरा मूड सेट करता हूँ। चल उठ। मानो मानो क्या रोने डाले हुए यहाँ पे हैं? क्यों बोथी बसूरी हुई है? मैं कितनी देर से खाने पे इंतजार कर रही हूँ तेरा। मानो तेरी ना बचपन की आदत है ये रोने डालने की। तुझे अगर लग रहा है ना कि तेरी मासूम बूथी देख के मुझे तुझ पे तरस आ जाएगा तो तेरी गलत फहमी है। मैंने ना जूतियाँ मोर मोर के ना इशक का भूत तेरे सर से उतार देना है। अच्छा रो रो ले चंगी तरह, 4-5 घंटे लगा के ना सेशन लगा रोने का, सारी जिंदगी रोने से बेहतर है। मैंने लॉन में ना पसी का तख्त लगा दिया है, फाई लगा दूंगी मैं तुझे। आई फटी बड़ी सीनियर हवलदारनी।